नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और कारोबार जगत की तमाम खबरों पर निगाह डालने का वक्त हो गया है। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले हमारी बिजनेस की हेडलाइंस, जिसे हम कहते हैं टॉप लाइंस। जीएसटी की औसत दर में आई कमी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, करदाताओं पर बोझ घटा है और करदाताओं की जिंदगी को आसान बनाना है पहला लक्ष्य। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.3% के मुकाबले अभी औसत जीएसटी दर 12.2% पर पहुंची। पहली तिमाही में विकास दर में कमी चिंता का विषय नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, आम चुनाव के बीच खर्चे में कमी की वजह से विकास दर में आई कमी। इस साल के लिए 7.2% के विकास दर का लक्ष्य बरकरार। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में वित्त वर्ष 2024-25 में 15-20% की वृद्धि होने की उम्मीद। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट में इस साल घरेलू हवाई यातायात के 164 से 170 मिलियन तक पहुंचने के आसार। सपाट कारोबार के साथ खुले आज भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 141 अंक की गिरावट और निफ्टी करीब 29 अंक गिर करके 25,116 खुला। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और विस्तार से आपको बताएंगे इन सभी खबरों के बारे में। और शुरुआत करते हैं इकॉनमी टुडे की बड़ी खबर से, और ये खबर है जीएसटी के साथ जुड़ी हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल चेन्नई में थी। उन्होंने जीएसटी दर पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जो पहले कहा जा रहा था कि सरकार का औसत जो जीएसटी दर है वो करीब करीब 15% हो सकती है, अभी अगर मौजूदा जीएसटी रेट को देखें तो वो काफ़ी कम है। साल 2023 तक ये 12.2% पर आ गई। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें राजस्व बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन करदाताओं के लिए व्यवस्था को सरल बनाना और उनकी जीवन को आसान बनाना ही सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है। चेन्नई में द फाइनेंस मिनिस्टर्स इनसाइड द पाथ फॉरवर्ड इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने रेवेन्यू बार एसोसिएशन के साथ संवाद करते हुए ये बात कही। The revenue neutral rate was 15.3% at the time of GST launching 2017. But today, we've not kept it there only. Revenue neutral 15.3, so let it be there. No, we've not left it there. It's actually at 12.2% as of 2023. Meaning, we could be earning more. But no, we've brought down the rates. अरे बड़ी खबर इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। और आपको याद होगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक ने एक जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है जो कि रेट रैशनलाइजेशन पर फैसला करेगा। यानी अभी जो जीएसटी की दरें हैं वो करीब जो 5 स्लैब में हैं उन स्लैब्स की संख्या घटाई जा सकती है और उस पर जो बड़ी सिफारिशें हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वो जीएसटी काउंसिल में रखी जा सकती हैं। और अगर ऐसा होता है कि जीएसटी काउंसिल जो दरें हैं उनके स्लैब की संख्या को घटाने पर विचार कर सकती है तो ये सरलीकरण की दिशा में बहुत बहुत बड़ा कदम होगा। और इस लिहाज से ये जो संकेत कल वित्त मंत्री ने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए जो रिजर्व बैंक का 7.2% का अनुमान है वो बरकरार है। दरअसल IMF ने भी भारत के विकास अनुमान को अब संशोधित कर 7% कर दिया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को 7% तक बढ़ाया। मुंबई में FIBAC 2024 को संबोधित करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि भारत की विकास दर को लेकर के सभी एजेंसियों और रिजर्व बैंक के अनुमान तकरीबन समान है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास गाथा लगातार बरकरार है। फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर द रिजर्व बैंक हैज प्रोजेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.2%। द IMF हैज ऑल्सो प्रोजेक्टेड India's growth prospect, they have in fact revised their growth projection for India upwards and have now placed it at 7%. And 2 days ago, the World Bank has also upgraded India's growth forecast to 7% for the financial year 24-25. So as you can see, I think the projections made by all the agencies, international agencies, as well as the Reserve Bank, I think our perceptions and projections are converging. वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू हवाई यात्री यातायात जो है 164 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ से 17 करोड़ के बीच में पहुंचने का अनुमान है।
रेटिंग एजेंसी इकरा ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय विमान उद्योग पर जो अपना स्टेबल आउटलुक है उसको बरकरार रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि इकरा ने ये कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खास खबर यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो डोमेस्टिक ट्रैफिक से ज़्यादा तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है, 15 से 20%। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो विमानन उद्योग का घाटा है उसमें भी कमी हो सकती है। 2024-25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से विमानन उद्योग का शुद्ध घाटा घट करके 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये के बीच पहुँचने की उम्मीद है। और आपको बताएं कि जल्दी ही जो भारत का एविएशन मार्केट है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन सकता है। और जितने बड़े लार्ज ऑर्डर्स एयरक्राफ्ट के भारत से गए हैं, करीब 1,000 ऑर्डर्स अभी पूरी दुनिया में ऐसे बड़े ऑर्डर्स कहीं नहीं हैं। और इसलिए जो बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी विमानन कंपनियाँ हैं वो भारत के साथ सहयोग करना चाहती हैं। और कल आपने देखा होगा कि सिंगापुर के साथ भी जब प्रधानमंत्री ने जो कारोबारियों के साथ बात की तो उन्होंने आह्वान किया कि अगर कोई सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है तो वो भारत है। और इसलिए सिंगापुर की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, खासतौर पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क में MRO जिसको कहते हैं, उसके क्षेत्र में भारत में आए और निवेश करें। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में व्यापार करने के सुगमता के लिए एक वास्तविक तर्कसंगत सिंगल विंडो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के अशोकभूमि में राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन में ये उन्होंने बात कही। इसका नाम था उद्योग समागम। पीयूष गोयल ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वीकृति और सुविधाओं के लिए एक मंच पर आते हैं तो ये प्रत्येक राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा और इससे रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। विश्व भर में आपके राज्यों के जो जो पॉलिसीज है, जो जो सुविधाएं हैं और जो जो अप्रूवल्स है, वो सब निवेशकों को अपने जगह बैठे हुए, कोई अमेरिका में बैठा है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, सब सुविधाएं जमीन खरीदने से लेके फैक्ट्री चालू करने के लिए या नया निवेश तक सब चीजें उनको वहीं पे उपलब्ध हो, ऐसी एक सुविधा केंद्र सरकार आगे चलकर देने जा रही है। और राज्यों को भी आमंत्रण है कि आप जितना नेशनल सिंगल विंडो से जुड़ेंगे, जितना आपके स्टेट्स की स्कीम्स उसके साथ जुड़ेंगी, उतना आपके स्टेट में स्वाभाविक रूप से निवेश आने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो कन्वर्जेंस पर एक बहुत बड़ा बयान उद्योग और वाणिज्य मंत्री की तरफ से आता हुआ कि जो एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसको आपने गतिशक्ति का नाम सुना होगा, जिसमें कई सारे मिनिस्ट्रीज के लेयर्स हैं, डेटा लेयर्स, उनको एक साथ एक मंच पर लाने की तैयारी, जिससे कि जो फैसले लेने होते हैं बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए उसमें आसानी होती है क्योंकि सभी जानकारियाँ एक ही जगह हो जाती हैं। तो अब केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर अब वो राज्यों को इस पर एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बड़ा बयान उन्होंने कल दिया कि अगर एक रैशनल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए पूरे देश के लिए एक समान, तो उससे राज्यों को भी फायदा होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग कर रही है जिससे लोगों को जो स्वीकृति लेनी होती है, जो अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होती है, वो उतनी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन इस मंत्र को एक साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं तो देश की प्रगति में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। अगर हम सब मिलके एक प्रकार से कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, ये तीनों को, इस तीनों के संगम को अपना एक मंत्र लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो तेज गति से अमृतकाल में विकसित भारत की तरफ प्रगति कर रहा है, इस प्रगति को हम और तेज गति दे सकते हैं और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका मिलकर निभा सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कि केंद्र की नीतियों के मूल में है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजारों की किस तरह से आज शुरुआत हुई है। सपाट कारोबार आज देखा जा रहा है भारतीय शेयर बाजार में, 64 अंक नीचे। आज गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिले, 25,191 के स्तर पर ये जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखाई दिया। इस वक्त देखें तो भारतीय शेयर बाजार बिल्कुल सपाट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सेंसेक्स की ओपनिंग
गिरावट यानी नेगेटिव बायस के साथ 141 अंक नीचे 82,000 के पार हुई। निफ्टी की बात करें तो वहां भी 28 अंकों की कमी शुरुआती कारोबार में आज ओपनिंग सेशन में देखने को मिली है। आपको अब उन शेयर्स के बारे में बताते हैं जहां पर इस वक्त निवेशकों को उनके ट्रेड में फायदा हो रहा है। ऐसे काउंटर्स जहां पर इस वक्त रिटर्न मिल रहा है LTIM, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल और BPCL में 1/4% से करीब 2% LTIM सबसे ज़्यादा कारोबार करता हो। सेंसेक्स में गिरावट इस वक्त दिखाई दे रही है और ये गिरावट और भी गहराती जा रही है। 345 अंक नीचे सेंसेक्स। जहाँ पर गिरावट है उसमें SBI और ICICI काउंटर सबसे ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। NTPC, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी गिरावट का रुख दिख रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस है इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जिसका आज दूसरा दिन है। देखते रहिए इकॉनमी टुडे। कट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारत की मेजबानी में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आगाज दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और भारतीय संस्कृति में सूर्य की महत्ता को उजागर करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव हमारी धरती को एक बेहतर प्लैनेट बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया और इस अद्भुत पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई दी। दिस इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड टुगेदर टू सेलिब्रेट द सन्स इंपैक्ट। दिस इज ए फेस्टिवल दैट विल हेल्प अस build a better planet. In the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत ISA के संस्थापक सदस्य के रूप में वैश्विक समुदाय विशेष रूप से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। India's RE journey therefore has been symbol of hope to entire world. Scripting the remarkable growth rate, solar energy has swiftly risen as most promising clean energy technology in India. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव साझेदारी बनाकर नवीन वित्त पोषण को अनलॉक करके अत्याधुनिक तकनीक को तैनात करके और ISA सदस्य देशों में क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक सौर अपनाने को प्रेरित करेगा। We should be celebrating, those Australians and Indians amongst us, the fact that we are on the pathway to a renewable energy partnership where the deepening contribution between Australia and India goes from strength to strength. The interest raised amongst member countries for StarSea program, it is very encouraging. It reflects the significant needs of emerging and developing countries in the field of capacity building. अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव व्यवसायों, नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थाओं को संरेखित करता है,
दो दिवसीय कार्यक्रम परिवर्तनकारी सहयोग के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा, जो कि किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भविष्य में दुनिया के परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करेगा। अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। डॉक्टर अजय माथुर जुड़ रहे हैं, महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के इस वक्त इकोनॉमी टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माथुर जुड़ने के लिए, आपका स्वागत है और नमस्कार। सबसे पहले सवाल यही कि 2015 में हमने ये शुरुआत की, बड़ी शुरुआत की ISA की फ्रांस के साथ मिलकर के, अब हम 9 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं सर, तो आप कितने संतुष्ट हैं उन लक्ष्यों को जिन पर हमने फोकस किया था? बड़े बड़े लक्ष्य थे। एक कुछ साल बाद हुआ था कि शुरू में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के देश इसके सदस्य बन सकते थे, लेकिन 2019-2020 में ये संशोधन हुआ कि जो भी UN का मेंबर है वो इसका सदस्य बन सकता है। आज हमारे 119 सदस्य हैं, देश हैं जो कि सदस्य हैं। 100 ने तो पूरी तरह से रेटिफाई कर दिया है और बाकी 19 जो है वो रेटिफाई कर रहे हैं, पर उन्होंने साइन कर दिया है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, जिस वक्त बना था उस वक्त ये सोचा था कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे सब देशों में, ताकि लोग वहां पर तैयार हो सके, इंस्टीट्यूशंस तैयार हो सके जो कि सौर ऊर्जा को आगे ले जाए। ये 92 देशों में ये कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है। सबसे आवश्यक बात ये है कि देखिए, अधिकतर देशों में जो एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होता है वो सरकार करती है जी। तो उनके साथ ये काम करना पड़ता है कि किस प्रकार से अपने रूल्स चेंज करें, रेगुलेशन चेंज करें कि प्राइवेट सेक्टर आ सके, प्राइवेट सेक्टर को भरोसा हो कि उसको पैसा वापस मिलेगा, और साथ में लोगों को कम से कम किफायती सौर ऊर्जा प्राप्त हो। कई देशों के साथ ये काम हो चुका है, कई देशों के साथ चल रहा है। और आखिरी में ये सोचा था कि सौर ऊर्जा में करीब $1 trillion इन्वेस्ट होंगे। $1 trillion ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं सौर ऊर्जा में, लेकिन हमारा ये गोल है कि ये $1 trillion उन देशों में होने चाहिए जहां पर की आज की तारीख में जरा मुश्किल होती है निवेश करने में, उन देशों में जहां पर की पैसा नहीं जा रहा है, यानी कि OECD, चाइना और करीब 3-4 देश छोड़ के जो बाकी देश हैं उनमें पैसा नहीं जा रहा है। हमारा गोल यह है कि उसमें $1 trillion प्राप्त हो। आपने बिल्कुल सही कहा सर, $1 trillion का लक्ष्य तो हमने जरूर प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल कहा कि इसे डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है और भारत शायद पूरी दुनिया के सामने अकेला सबसे बड़ा उदाहरण है जो डेमोक्रेटाइजेशन में यकीन रखता है। कल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पूरी दुनिया का कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, लेकिन टू मच कॉन्सेंट्रेशन इन चाइना सर, क्या यह चिंता का विषय है? ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं चाइना से बाहर की वो इफेक्ट हो जाती है। तो हर साल में 1-3 महीने ऐसे होते हैं जब आप पूरे अफ्रीका में देखिए सोलर पैनल अवेलेबल ही नहीं है जी, और अगले 6-7 साल में 2030 तक हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सौर ऊर्जा की डिमांड है, जो मॉड्यूल्स की डिमांड है, वो 3-8 गुनी हो जाएगी जो आज है उसके कंपैरिजन में। उस वक्त ये हम लोग किस प्रकार से सप्लाई चेन मेंटेन कर पाएंगे, इसके लिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। पिछले साल ISA ने एक इसकी विश्लेषण किया था और ये निकला कि देखिए, अगर आपको सोलर सेल बनाने तो दुनिया में कंपीट करने के लिए आपको इंसेंटिव देने, तो जैसे कि हम लोगों ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI प्रोग्राम चालू किया जी। या अमेरिका ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंतर्गत इंसेंटिव चालू किया। देखिए, अगर सेल से मॉड्यूल बनाने तो अगर किसी भी देश में डिमांड काफी हो तो ये इकोनॉमिक हो सकता है। तो हम लोगों का गोल ये है कि अधिक से अधिक देशों में सेल इंपोर्ट करके, अब सेल आप चाहे इंडिया से इंपोर्ट करें, चाहे चाइना से, चाहे अमेरिका से, और उसके बाद असेंबली करें जी, असेंबली करें, उससे आपके देश में एम्प्लॉयमेंट बनेगा, उससे आपके देश में वैल्यू एडेड होगी और आपको जो सप्लाई चेन है उनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा।
सर, अब तीसरा सवाल यह है कि हम इसको अफोर्डेबल बनाने में कितना सफल हुए हैं। सोलर एनर्जी को अगर हम फॉसिल फ्यूल के साथ तुलना करें तो उसकी कॉस्टिंग को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम 2030 के लक्ष्य या फिर ओवरऑल नेट जीरो के लक्ष्य को, ग्लोबल जो टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं सर। तो उसको अफोर्डेबल बनाने में अभी कितना रिडक्शन हो पाया है सर, जब से हम लोगों ने ISA की शुरुआत की और सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश की है? इस पे बहुत अधिक प्रगति हुई है। और मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण देता हूं। दुनिया के किसी भी ज्योग्राफिक क्षेत्र में अब जो सबसे सस्ती बिजली है वो सौर ऊर्जा के थ्रू है। ये दुनिया में सब जगह है, लेकिन ये उसी वक्त होता है जिस वक्त सूरज चमकता है। जिस वक्त सूरज नहीं चमकता उस वक्त क्या करें? तो जो जैसे भारत के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि साहब आप ये कह रहे हैं कि हम दिन के लिए सौर ऊर्जा में इन्वेस्ट करें और फिर रात के लिए कोयले में इन्वेस्ट करें, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। जी जी, दुगना हो जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 महीने में, इस साल के शुरू से हम लोगों के देश में 4 टेंडर हुए हैं जिसमें कि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के दाम नए कोयले के बिजली के दाम से कंपैरिजन में या तो कम है या बराबर है। 5 रुपए से कम की बिजली सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा प्लस बैटरी से मिल रही है। हमारा गोल यह है इसको किस प्रकार से अपस्केल कर सके, किस प्रकार से लैंड मिल सके, भूमि मिल सके जिसपे की सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और बैटरी लगा सके, किस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन बना सके जहां पर ये प्रोड्यूस हो रही है और जहां खर्च हो रही है वहां के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बैटरी तीनों चीजें लगाने में लगभग दुगना निवेश करना पड़ता है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। इसके लिए किस प्रकार से हम लोग पैसे की का इंतजाम करेंगे? तो अब हम लोग एक स्टेज पे आ गए हैं जबकि अपस्केलिंग, टेकिंग इट टू द पॉपुलेशन लेवल इज आवर चैलेंज। जो मेन इकोनॉमिक चैलेंज था वो अब ओवरकम हो गया। डॉक्टर माथुर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अब स्केलिंग का चैलेंज है और ये यात्रा अभी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया और आज दूसरा दिन है, आपको इस फेस्टिवल के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में JLL और लुसाल ने अपने ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का नवीनतम संस्करण जारी किया है जो 89 देशों के क्षेत्रों में बाजार पारदर्शिता का मानक है। ये रिपोर्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कानूनी और नियामक वातावरण, डेटा की उपलब्धता और परिचालन स्थितियों का आकलन करती है। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण रुझान यह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की आर्थिक प्रगति रही है, लेकिन जिस बाजार ने सबसे ज्यादा सुधार दिखाया वो है भारत। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों में शीर्ष वैश्विक सुधारक रही है। इसके प्रमुख शहर बाजारों के पारदर्शी समूह में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनके रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक संस्थागत हो गए हैं और डेटा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अधिक पारदर्शिता कई कारकों में से एक है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत के संपत्ति उद्योग के असाधारण प्रदर्शन में योगदान दिया है और इसका श्रेय 2014 से लगातार किए गए आर्थिक सुधारों को जाता है जिसके पीछे एक मजबूत और स्थिर सरकार का विजन है। ये लार्जली हमारी अर्थव्यवस्था से भी लिंक्ड है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे कॉस्ट ऑफ स्केल एडवांटेजेस हैं, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है और एक बहुत ही प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सेटअप है। भारत की तुलना में अन्य प्रमुख एशियाई संपत्ति बाजारों में विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में तीव्र मंदी आई है। चीन में कई कार्यालय बाजार अति आपूर्ति से पीड़ित हैं जिससे रिक्तियों की दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और किराए पर भार पड़ रहा है। MSCI के आंकड़ों के मुताबिक 2022 के बाद से निवेश गतिविधि में तेजी से गिरावट आई है। इस वर्ष की पहली छमाही में पूरे क्षेत्र में लेन देन की मात्रा में वार्षिक रूप से 7% की गिरावट आई है। इसके विपरीत भारत में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों बाजारों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। फ्लो ऑफ फंड्स जो है, इंस्टीट्यूशनल फ्लो ऑफ फंड्स है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से बहुत बहुत ही रोबस्ट एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्लो हुआ है।
भारत के प्रॉपर्टी सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन में निवेश बाजार का संस्थागतकरण भी योगदान दे रहा है। इस वर्ष की पहली छमाही में संस्थागत निवेश 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों की अगर माने तो भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में आई ये उछाल सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, अब इसका असर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी देखा जा रहा है। अर्बन एरियाज में ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ये तेजी आई है। कैमरामैन नवीन और कालरा के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। ठिकाना टुडे के आज के संक में सिर्फ इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।